खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज के प्रांगण में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव के प्रथम दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने वीर हास्य व्यंग रचनाओं को प्रस्तुत कर जहां दर्शकों का मनोरंजन किया, वहीं वीर रस की देश प्रेम से जुड़ी रचनाओं को सुनाकर देशभक्ति का माहौल बनाया। कवि सम्मेलन का संचालन राष्ट्र कवि वेदव्रत वाजपेयी ने किया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ सेवानिवृत्त IAS अवधेश कुमार सिंह राठौर ने कवि हेम मुखारिया, सोनल जैन, शिव ओम अंबर, कमल मनोहर मनोज धूलिया, प्रबंधक अरुण वाजपेयी, प्रधान आचार्य डॉक्टर अमित कुमार वर्मा, संस्था अध्यक्ष असद अली फारूकी, हरिवंश शुक्ला, भाजपा महिला जिला अध्यक्ष अलका गुप्ता, राजीव रंजन मिश्र, आलोक श्रीवास्तव सहित सभी कवियों व कवि सम्मेलन प्रेमियों की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन कर किया। हमारे चोट खाए पांव की हर पीस कहती है, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना। तो आज का ये पूरा का पूरा कवि सम्मेलन आप सबकी श्रद्धा के कारण, वेद के आह्वान के कारण एक यात्रिक अनुष्ठान में बदला। लेकिन ये सच है कि आज कवि सम्मेलन के मंच पर पैसे की अधिकता हो गई है, और अभी मेरे भाई ने कहा भी था कैसे कैसे लोग बिकने लगे हैं, हम लोगों ने भी पैसे लिए हैं। आज उस बात को कहता हूं, थोड़ा सा अंतर के साथ इस स्वाभिमान को जीने की कोशिश की है। आए हवा मान हूं धड़कनों में धड़कता है कुछ आज कल, धड़कनों में धड़कता है कुछ आज कल, यार है प्यार है क्यों कहूँ कौन है, यार है प्यार है क्यों कहूँ कौन है। तालियों से मेरा हौसला बढ़ाइए, जहाँ भी आपका मन लगे, जहाँ भी आपको लगे कि मैंने सच्ची बात कह दी हो, वहाँ मन से तालियां बजाएगा तो मुझे हौसला मिल जाएगा। मैं पढ़ती कि हाथ जोड़ती रही द्रौपदी भरी सभा में लाने पर, सीता ने भी अश्रु बहाए रावण के ले जाने पर, हाथ जोड़ती रही द्रौपदी भरी सभा। पूरे आयोजन के सूत्रधार और इस रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री अरुणेश वाजपेयी जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त साहित्यिक और साहित्य प्रेमी बंधुओं, मेरे लिए ये आज फिर से खुशी का मौसम है। इस अवसर पर मैं प्रायः कई वर्षों से यहाँ आता रहा हूँ, और आज विशेष रूप से मुझे थोड़ी असुविधा सी हो रही थी आने में, क्योंकि पिछले 12 दिन से मैं अपने गांव में था और कल रात 11 बजे ही लौटा था, तो मुझे अचानक फतेहपुर जाना पड़ा, वहाँ से 5 बजे लौटा। लेकिन इस कार्यक्रम में अपनी हाजिरी दर्ज कराने का मुझे विशेष रूप से उत्साह रहता है, और वो दो कारणों से रहता है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।